हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। 25 सितंबर 2022 दुर्लभ संयोग में सर्व पितृ अमावस्या, पितरों की भावपूर्ण विदाई, पितृ शांति मोक्ष के लिए इस जगह जरूर जलाएं एक दीपक। शास्त्रों में पितृपक्ष को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष का समापन 25 सितंबर को हो रहा है। पितृपक्ष में आने वाली अमावस्या सर्व पितृ अमावस्या, पितृ विसर्जन अमावस्या या मोक्ष अमावस्या कही जाती है। इस साल सर्व पितृ अमावस्या 25 सितंबर को है। ज्योतिष अनुसार इस बार पितृ विसर्जन अमावस्या पर कई सालों बाद दुर्लभ योग बनने जा रहा है, जिस कारण पितरों को समर्पित यह तिथि बहुत ही शुभ रहेगी। इस अमावस्या तिथि में उन पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती। साथ ही इस दिन पितरों की विदाई भी की जाती है। आज हम आपको साल 2022 सर्व पितृ अमावस्या सही तिथि, शुभ मुहूर्त, शुभ योग और इस शुभ योग में किए जाने वाले उपायों के बारे में बताएंगे। सर्व पितृ अमावस्या शुभ मुहूर्त 2022। साल 2022 में सर्व पितृ अमावस्या 25 सितंबर रविवार को है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 25 सितंबर प्रातःकाल 3:12 पर। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 26 सितंबर प्रातःकाल 3:23 पर। कुतुब मुहूर्त होगा प्रातःकाल 11:45 से दोपहर 12:33 तक। रोहिण मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:33 से दोपहर 1:22 तक। अपराहन काल मुहूर्त होगा दोपहर 1:22 से सायंकाल 3:47 तक। सर्व पितृ अमावस्या शुभ योग 2022। ज्योतिष अनुसार इस साल सर्व पितृ अमावस्या के दिन कई वर्षों बाद 23 घंटे के सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का आरंभ सुबह 6:20 से होगा, जो अगले दिन सुबह 5:56 तक रहेगा। इसीलिए पूरे दिन तर्पण, पिंडदान इत्यादि श्राद्ध क्रियाएं की जा सकेंगी। 25 सितंबर रविवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के कारण सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा। साथ ही इस दिन बुधादित्य योग और त्रिकोण योग का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार इस शुभ योग में श्राद्ध कर्म करने से कई प्रकार के पुण्य फल प्राप्त होते हैं और पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। सर्व पितृ अमावस्या विधि। शास्त्रों के अनुसार सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को विदा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। घर में पितरों के निमित्त सात्विक भोजन बनाकर उनके निमित्त धूप ध्यान कर उन्हें भोग लगाएं और तर्पण करें। बनाए हुए भोजन में से सबसे पहले गाय, कुत्ते और कौवे के लिए खाना अलग से निकाल लें। इसके बाद ब्राह्मणों अथवा जरूरतमंदों को भोजन कराएं और पितरों के निमित्त दान करें। शाम के समय सरसों के तेल का एक दीपक घर की दक्षिण दिशा और पीपल वृक्ष के नीचे जलाकर पितरों को नमन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। सर्व पितृ अमावस्या उपाय। ज्योतिष अनुसार इस साल की पितृ अमावस्या बहुत ही शुभ योग में आ रही है। ऐसे में इस दिन गुड़, नमक, अन्न, गाय का शुद्ध घी और काले तिल का दान करना चाहिए। इससे संकट दूर होते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन घर में सात्विक भोजन बनाकर कौवे, गाय और कुत्तों को अर्पित करें। इससे पितरों को मुक्ति मिलती है और पितृ प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि पितृ अमावस्या के दिन पितृगण पितृलोक लौट जाते हैं, इसीलिए शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाकर घर के दक्षिण दिशा में रखकर उन्हें सम्मान पूर्वक विदाई देनी चाहिए। इस दिन शाम के समय एक दीपक पितरों के निमित्त पीपल वृक्ष के नीचे भी जलाना चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ दोष दूर होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।